दोस्तों इसमें कोई दो राय नहीं है कि रणबीर कपूर की एनिमल मूवी बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है। दर्शक काफी एक्साइटेड लग रहे हैं क्योंकि शुरू से ही इस फिल्म को काफी हाइप पर रखा गया था और सभी को लग रहा था कि रिलीज होने के बाद ये बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाएगी। फिलहाल तो मूवी बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छा कर रही है, लेकिन सबसे चर्चा में है इस मूवी का बजट और इसके स्टार कास्ट की सैलरी। तो आज के इस वीडियो में हम आपको एनिमल मूवी की स्टार कास्ट की सैलरी के बारे में बताएंगे, जो फिल्म के बजट का सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हिस्सा है। और इसका 47-46% कॉस्ट तो कास्ट की सैलरी में ही चली गई। वहीं पर रणबीर कपूर की सैलरी सुनकर तो आप हैरान हो जाएंगे। तो चलिए बिना समय गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले शुरुआत करते हैं उन सपोर्टिंग एक्टर से जिन्होंने फिल्म में छोटी छोटी भूमिका निभाई है। छोटी भूमिका होने के बावजूद भी उन्होंने इसमें काफी अहम योगदान दिया है, जैसे शक्ति कपूर, सुरेश ओबरॉय और बबलू पृथ्वीराज। हाल ही में इनकी सैलरी का खुलासा किया गया है। इन तीनों ही एक्टर्स को इनके रोल के लिए कुल 30 लाख रुपए फीस के रूप में दिए गए हैं। वैसे ये नहीं कहा जा सकता कि इन तीनों एक्टर्स का ये फिक्स्ड अमाउंट है, क्योंकि हो सकता है कि फ्यूचर में इन्हें कुछ और अमाउंट भी पे किया जाए। बात करें अगले सपोर्टिंग एक्टर की तो उनका नाम है सौरभ सचदेवा, जिन्होंने एक विलेन के रूप में आबिद हक की भूमिका निभाई है। इन्होंने अपने रोल के लिए करीब 20 लाख रुपए चार्ज किए हैं। आगे बढ़े तो अगले सपोर्टिंग एक्टर हैं सिद्धांत कार्निक। वेल एनिमल मूवी में सभी ने अपना किरदार काफी शानदार तरीके से निभाया है और इन्हीं में से एक हैं फिल्म के सपोर्टिंग एक्टर सिद्धांत कार्निक। जी हाँ, आपने ठीक सुना, इन्होंने फिल्म में वरुण प्रताप मल्होत्रा के रूप में रणविजय के ब्रदर इन लॉ की शानदार भूमिका निभाई है और जिसका उन्होंने लगभग 30 लाख रुपए फीस चार्ज की है। अगले नंबर पर है तृप्ति डिमरी। दोस्तों फिल्म में जोया के रूप में बेहद ही की रोल निभाने वाली एक्ट्रेस तृप्ति डिमरी ने इस फिल्म में अपने रोल और एक्टिंग ड्यूरेशन के हिसाब से काफी अच्छा अमाउंट चार्ज किया है। आपको बता दें कि उन्होंने इस फिल्म में अभिनय करने के लिए कुल 40 लाख रुपए चार्ज किए हैं। हालांकि उनका रोल इस फिल्म में काफी इम्पोर्टेंट है, जिसे इग्नोर तो नहीं किया जा सकता। फिल्म में रणबीर कपूर के पिता का रोल करने वाले बलबीर सिंह, यानी कि 80s और 90s के मशहूर अभिनेता अनिल कपूर ने अपनी भूमिका के लिए फिल्म के बजट का कुल 2% फीस चार्ज किया है, जो कि 2 करोड़ रुपए होते हैं। उनके द्वारा की गई एक्टिंग काफी दमदार है, जो फिल्म में एक अहम रोल अदा करते हैं। वैसे अगले नंबर पर है फिल्म की लीड एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना। जी हाँ दोस्तों, इस मूवी के लीड रोल में अभिनय कर रही मशहूर एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना ने फिल्म में एक अलग ही लेवल की एक्टिंग की है। हालांकि रणबीर कपूर के मुकाबले उन्हें काफी कम सैलरी मिली है, लेकिन उनकी एक्टिंग ने फिल्म में जान फूंक दी है। वेल, इन्होंने इस फिल्म के लिए कुल 4 करोड़ रुपए चार्ज किए हैं, जो टोटल बजट का 4% है। वहीं खबरों के मुताबिक एनिमल फिल्म के साइलेंट विलेन बॉबी देओल ने इस फिल्म के लिए लगभग 5 करोड़ रुपए चार्ज किए हैं, जो अभिनेता रणबीर कपूर के मुकाबले 7 गुना कम है और फिल्म के बजट का कुल 4-5% है। वैसे फिल्म में बॉबी की खतरनाक एक्टिंग उनसे कम नहीं है। आपको क्या लगता है, बॉबी की सैलरी कम है या फिर फेयर है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अब बढ़ चलते हैं इस फिल्म के मशहूर डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा की फीस को लेकर। अभी तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की गई है। ऐसा कहा जा रहा है कि उन्होंने खुद इस फिल्म में काफी बड़ा बजट इन्वेस्ट किया है। वहीं पर उन्होंने इस फिल्म को बनाने में काफी इम्पोर्टेंट रोल भी अदा किया है। इस फिल्म के साथ ही उनका निर्देशन करियर और भी पीक पर जा सकता है। दोस्तों आप आते हैं फिल्म के आखिरी और हाईएस्ट पेड एक्टर की सैलरी पर। वेल, फिल्म का बजट लगभग 100 करोड़ रुपए का बताया जा रहा है, जिसके चलते एनिमल मूवी अच्छी खासी हाई बजट वाली फिल्म बन गई है। लेकिन आपको ये सुनकर हैरानी होगी कि रणबीर कपूर की फीस इस फिल्म की बजट का कुल 35% है। जी हाँ, उन्होंने 100 करोड़ की बड़ी बजट वाली इस फिल्म में अकेले ही 35 करोड़ रुपए चार्ज किए हैं और जिसमें एक फिल्म बनकर तैयार हो सकती है। वैसे इससे एक बात तो साबित होती है कि भले ही रणबीर कपूर ज्यादा फिल्मों में नजर नहीं आते हैं, लेकिन उनकी वैल्यू बिल्कुल भी कम नहीं हुई है। आपको बता दें कि लगभग 250 करोड़ की बजट वाली फिल्म पठान में अभिनेता शाहरुख खान ने अकेले 100 करोड़ रुपए चार्ज किए थे और मूवी की सैलरी के मामले में रणबीर कपूर उनसे अभी भी पीछे हैं।
खैर कुछ भी हो, दोनों ही अपनी अपनी जगह पर काफी शानदार अभिनेता हैं। वैसे आपको बता दें कि पहले कहा जा रहा था कि उन्होंने अपने रोल के लिए 70 करोड़ रुपए चार्ज किए थे। वेल, अभी तक इसका कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आया है, लेकिन आपको क्या लगता है, ऐसा हो सकता है? नीचे कमेंट में जरूर बताइए। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी दूसरी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।